आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इस सेक्शन ए से, जिसमें आपको पैसेज दिया होता है और आपको इसके आंसर्स लिखने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि दो फैक्टर्स आपको बताने थे जिन पर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो है हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स का डिपेंड करता है। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ मिल जाता, दो फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए थे, ये रहा देखिए, पास्ट हिस्ट्री ऑफ मोनूमेंट, द कैप्चर एंड नेचर ऑफ पोल्यूटेंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सम माइक्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस। तो कोई भी दो लिख सकते थे आप इसमें से फैक्टर्स। द प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स रिक्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा कि बहुत एक्यूरेट स्टडी करनी है बहुत से एनवायरमेंटल एजेंट्स की। इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए भी लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिटेरियोरेशन प्रोसेस। और अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर हम एनवायरमेंटल एजेंट्स को अच्छे स्टडी कर लेते हैं तो उसमें डिटेरियोरेशन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसके बेस पे, तो सेकेंड वाला ज्यादा सही लग रहा है एज कंपेयर टू फर्स्ट। उसके बाद मेन वेदरिंग प्रोसेस ऑफ मोनूमेंट्स आर कॉज ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ डैश ऑन द सर्फेस, हाँ ये मेरे ख्याल से इसका आंसर देखिए यही है, ये आपके पैराग्राफ में पैसेज मेंशन है। व्हाट फेवर्स द डिसोल्यूशन ऑफ स्टोन एंड रिमूवल ऑफ सॉल्यूट रिजल्टिंग इन थिनिंग ऑफ ओरिजिनल रॉक, इसका आंसर देखिए आपको यहाँ से मिल जाता, आई थिंक ये रहा हाई, ये रहा हैवी रन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑफ अ मोन्यूमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द, तो इसका आंसर थ्री आ जाएगा, डायरोनल एंड सीजनल वेरिएशन ऑन द मोन्यूमेंट। उसके बाद हैवी रन ऑफ आ जाएगा इसमें, देखिए ये तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे सेंटेंस मिल जाएगा, ये रहा यहाँ से इसका आंसर आ सकते थे। तो मेन वेदरिंग प्रोसेस ऑफ मोनूमेंट आर कोस्ट, सही तो हो गया, रुके 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 रुके। उसके बाद था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, तो इसमें मुझे जहां तक लगता है कि डिटेरियोरेशन प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के बारे में बात की गई है, तो ये वाला सुटेबल ज्यादा लग रहा है मुझे। ट्री के अंदर सैप होता है तो हाइड्रेंट के अंदर क्या होता है, हाइड्रेंट मतलब जो आग बुझाने वाली पाइप्स वगैरह होते हैं ना, सिस्टम होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, पानी, ताकि उसे आग बुझे, तो हाइड्रेंट के बाद यहाँ क्या आना था, वाटर। उसके बाद था तो यहाँ क्लू भी दे रखा था, जस्ट लाइक अ ट्री इज अ सोर्स ऑफ सैप, तो हाइड्रेंट से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। नाइन्थ में था कि When talking about weathering process, the way in which surface is wetted is very important. तो ये true था, ये statement लिखी हुई है। उसके बाद the main weathering process are due to combined action of rainwater and pollutants. इसमें आपको एक word similar जो कि sentence तो यहाँ weathering का आप एक और word लगाना था जो उसकी जगह ले सकता था, तो द मेन इरोजन लगा सकते, वेदरिंग मतलब टूटना, तो ऐसे इरोजन या डिसइंटीग्रेशन लगा सकते थे। सेकंड पैराग्राफ थोड़ा इजी था इससे, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था कि डाटा किसका एमिशन कंपेयर कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के, लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, तो चाइना आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ था कि चाइना वाज नियरली दिस एंड इट रोज टू नियरली 100% इन दस, तो ये रहा देखिए, तो ये लिखा भी हुआ है कि चाइना वाज द इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, चाइना वाज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन कार्बन एमिशंस ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच कंट्री इज मोस्ट पोल्यूटर कंट्री, तो आप पैसेज में देख सकते थे इसका आंसर यूएसए, तो यहाँ देख सकते हैं आप यूएसए का सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, ये ब्लैक वाले भले से मैच करें लेकिन इस ये छोटे हैं देखिए यहाँ पे,
लेकिन इसके यूएसए की ये भी बड़े बड़े हैं, तो मेजर पोल्यूटर कौन हुआ? यूएसए हुआ। रीज़न बताना था कि CO2 एमिशन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, तो इसका रीज़न आप कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़। तो खैर रीज़न बुक में इसमें पैसेज मेंशन नहीं था, तो ये सब आप लिख सकते थे इसमें। और लोवेस्ट एमिशन CO2 का ग्राफ में किसका है, तो आप ग्राफ में देख सकते हैं सबसे कम एमिशन इसका है, कैनेडा का। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं सबसे कम एमिशन इसका है। नेक्स्ट है कि विच कंट्री हैज ऑब्जर्वड अ ड्रामेटिक राइज ओवर द ईयर्स इन CO2 एमिशन, तो किसमें ड्रामेटिक राइज हुआ है? चाइना में हुआ है। ये भी देखिए यहाँ पे साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है, ये रहा चाइना के बारे में बात हो रही है इस पैराग्राफ में, तो यहाँ से इसका आंसर चाइना बन जाता है। अगला सवाल था तो यहाँ पे नियरली की जगह आपको एक वर्ड लगाना था, तो अप्रोक्सीमेटली लगा सकते थे आप, या आपके मन में कोई और भी आता तो वो भी लगा सकते थे। उसके बाद नेम टू कंट्रीज विच हैड सेम लेवल ऑफ CO2 इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिकेड, तो इसका आंसर आ जाएगा जर्मनी और यूके, क्योंकि ग्राफ में आप देख सकते हैं इनके दोनों डिकेड्स में लगभग लगभग सेम ही CO2 का एमिशन है। ये देखिए जर्मनी में फर्स्ट डिकेड में लगभग लगभग सेम है, अगले डिकेड में भी उतना ही है। डिकेड मतलब वैसे 10 साल होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ इसके ग्राफ लगभग लगभग सेम ही चल रहे हैं, जिस वजह से फर्स्ट और सेकेंड डिकेड दोनों में सेम लेवल ऑफ CO2 एमिशन आ जाएगा इसमें। अगला सवाल था इसमें ट्रू फॉल्स, तो कंट्रीज हैव अचीव्ड मीटियोरिक राइज इन CO2 एमिशन, तो ये फॉल्स है। देखिए सब में जो है एकदम से CO2 का एमिशन इंक्रीज नहीं हुआ है, कुछ में जर्मनी यूके कनाडा इसमें एकदम से फास्टली इंक्रीज नहीं हुआ है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। विच कंट्रीज रिपोर्टेड ग्रेजुअल ग्रोथ इन रिडक्शन ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन, तो इसका आंसर देखिए आ जाएगा जर्मनी एंड द यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी। उसके बाद बात करते हैं ग्रामर की, तो इसमें आ जाएगा आई विल बी, और इसमें राधा रिप्लाइड दैट शी थॉट इट हैड, तो राधा रिप्लाइड दैट शी थॉट इट, तो इसका बन जाएगा शी थॉट इट हैड बीन अ फन डे डैट दैट डे, टुडे का दैट डे बन जाता। इसमें आ जाता ओट टू, उसमें आपको करेक्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन्स एंड किलर व्हेल्स प्लूरल है, तो हैज की जगह हैव आना चाहिए, तो यहाँ पे हैव आएगा, तो डी आंसर आ जाएगा इसका। एरर है हैज में और करेक्ट होना चाहिए था हैव। आई ट्राइड द न्यू डिश टू सी हाउ इट टेस्टेड, क्योंकि पास्ट में सब कुछ चल रहा है, तो टेस्टेड आ जाएगा इसका आंसर। और इसका देखिए आई हैव बीन नोन, तो बीन नोन, और इसमें स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली आंसर्ड दैट ही हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया बट ही कुडंट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। उसके बाद आपको इसमें फिर से एरर करेक्शन था, व्हाट मैनी पीपल डोंट नो न्यू, देखिए डू नॉट आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो इसमें देखिए एरर है न्यू में, क्योंकि डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है ना वर्ब की, तो न्यू की जगह नो आ जाएगा, के एन ओ डब्ल्यू। उसके बाद इसमें कहा गया था कि मोहित जो है कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है विद ज्योति अबाउट अ विजिट टू अ सर्कस, ज्योति का क्वेश्चन रिपोर्ट करना है हमें, तो इसमें लिखेंगे ज्योति आस्क्ड मोहित इफ ही के बाद देखिए इसमें आ जाएगा हैड, इफ ही हैड सीन द क्लाउन्स इन द
सर्कस। और इसमें आ जाएगा डैश यू शो मी द रोड टू द मार्केट। तो इसमें आ जाएगा देखिए कुड। नेक्स्ट था हमारे पास सरिता, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। गायत्री ने ये सब रिप्लाई किया, तो गायत्री एग्रीड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे वुड बी मीटिंग देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो ये आ जाएगा दे वुड बी मीटिंग देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, ऑप्शन बी। इसमें एरर पहचानना था, तो एरर इसमें ये है देखिए कि आई हैवंट गॉट मच चेंज, मैनी की जगह मच, एरर है मैनी और करेक्शन मच। उसके बाद आपका राइटिंग स्किल्स था, इसमें आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना था आपके प्रिंसिपल के बारे में, स्कूल प्रिंसिपल के बारे में आपको हिंट्स दिए थे, आप इजीली से लिख सकते थे इसी तरह से, या फिर आप नसीरुद्दीन शाह जो एक फेमस बॉलीवुड स्टार है उनके बारे में लिखना था, ये आपको हिंट्स वगैरह दे रखे हैं। इसके बाद आप स्टोरी या डायरी एंट्री में से कुछ लिख सकते थे, स्टोरी दे रखी थी आप, या फिर आपको ये वंस अ वीक जो सफाई का काम करना पड़ता है या सफाई करते हैं आप घर की, उसके बारे में डायरी एंट्री लिखनी थी। उसके बाद आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता था जो कि बुक का था, और ये आप आसानी से कर सकते थे, और बुक के डायरेक्ट क्वेश्चंस थे कुछ लास्ट में, वो सब कर सकते थे। तो ये थे पॉसिबल आंसर्स जो मैंने आपको बताए, और आपके अकॉर्डिंग किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में ये भी मेंशन करें कि आपके हिसाब से जो अलग आंसर आ रहा है हमसे उसका रीज़न क्या है। और साथ ही देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन पेपर का PDF मिल जाएगा, ताकि अगर अगले साल कोई स्टूडेंट यानी कि 2025 में या उसके बाद वो इस वीडियो को देख रहा है और उसे क्वेश्चन पेपर एक बार डाउनलोड करके देखना है तो वो डाउनलोड करके देख सके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा।